और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु यह खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में वे अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इस कांग्रेस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अंग्रेजों के जाने के बाद तो लंबे अरसे तक केंद्र में और ज्यादातर राज्यों में भी और आपके हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही है, लेकिन जिन गरीबों ने, जिन बेरोजगार लोगों ने या जिन कमजोर तबके के लोगों ने या किसानों ने व अन्य मेहनतकश लोगों ने जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को केंद्र की सत्ता में आसीन रखा और लंबे अरसे तक और आपके हरियाणा प्रदेश में भी, लेकिन दुख की बात यह है कि इस कांग्रेस पार्टी ने तो अपने लंबे अरसे के शासनकाल में केंद्र में भी और आपके हरियाणा प्रदेश में भी तो यहाँ के लोगों की जो गरीबी है, बेरोजगारी है, उसको दूर नहीं किया। हमारे किसान भाई भी काफी ज्यादा दुखी हैं अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर, तो उनकी भी जो परेशानियां हैं उनको दूर नहीं किया, और खास तौर से जो कमजोर तबके के लोग हैं तो उनके साथ तो बड़े पैमाने पर इस सरकार में जुल्म जाती होती रही है। तब जाकर फिर हमें मजबूरी में जब हमको लगा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जो हमारे कमजोर तबके के लोग हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, तो जब हमको लगा कि इस सरकार में हमारे लोगों को राहत नहीं मिल सकती है, हमारे लोगों का विकास नहीं हो सकता है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में खासकर इस देश के दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जो कानूनी अधिकार दिए हैं उसका लाभ नहीं मिल सकता है, तो तब फिर जाकर हमें मजबूरी में इन सब लोगों के हित में फिर हमें मजबूरी में 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन करना पड़ा है। और आज कांग्रेस पार्टी तो जो भी आज वो केंद्र की सत्ता से बाहर है, हरियाणा से और भी राज्यों से, तो वो अपनी गलत नीतियों और गलत कार्यशैली की वजह से है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। और इस मामले में खासकर इनकी बीजेपी की चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इस बार इनको चुनाव में नहीं बचा पाएगी, चाहे चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें। और इसकी खास वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने अपने पिछले 5 वर्षों के शासनकाल में तो इनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों
व धन्ना सेठों को ही और भी ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में ही लगा रहा है और इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है। जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। इसी प्रकार केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी खासकर जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक व पूंजीवादी सोच के चलते हुए यह पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में अभी तक भी यहाँ दलितों, आदिवासियों वे अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। इनका पदोन्नति में आरक्षण अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है और ये सब हमें आपके हरियाणा प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत अभी तक भी यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंसाई हो गया है और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुर्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर ही पहुँच चुकी है। इन लोगों के अलावा इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे हमारे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अपने देश के अभी तक यहाँ काफी ज्यादा जवान भी शहीद हो चुके हैं। किंतु इस मामले में अति दुख की बात यह है कि इसे भी अब ये लोग इस चुनाव में किसी न किसी रूप में भुनाने में ही लगे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व अच्छा कौशल कर रही हैं और लगातार अपने विरोधियों पर बरस रही हैं। फरीदाबाद में अपने प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए वो पहुंची हैं।
और मायावती का यह कहना है कि बीजेपी से हर वर्ग परेशान है और इस बार लोग बीजेपी की गलत नीतियों का सबक उसको सिखाएंगे। साथ ही मायावती ने यह भी कहा कि बीजेपी ने वादे तो बहुत सारे किए गरीबों से, पिछड़ों से, दलितों से, लेकिन एक भी वादे को बीजेपी ने पूरा नहीं किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती की यह रैली फरीदाबाद में चल रही है। हरियाणा में बीएसपी और एलएसपी का गठबंधन है और इस गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील मायावती लगातार कर रही हैं।